ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ग्रीन चिली सॉस के लिए है, हरी मिर्च है, लहसुन की कलियां मैंने छील के रखी है, और अदरक थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी थी, उस दिन बहुत टाइम हो गया था। फिर ये रेड चिली सॉस के लिए, जो अपनी लाल मिर्च होती है ना सूखी, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसको गर्म पानी में 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखना है रेड चिली सॉस के लिए। और उसमें भी हमको अदरक और लहसुन दोनों लगेगा, दोनों में सेम चीजें लगती हैं, ये शुगर, नमक और जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है, और विनेगर। ये सब चीजें हमको ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस में लगेगी, और थोड़ा सा पानी भी लगेगा। पानी डालने से मैं खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो पानी ओके जी। सुखाएंगे हम उसका, तो वो खराब नहीं होगा। अब ये टोमेटो सॉस के लिए मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या लगेगा। जैसे मैंने 1/2 kg टमाटर लिए है, अच्छे लाल टमाटर लेना है, और 2-3 खड़ी वाली लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, और एक छोटा सा प्याज, प्याज एकदम कम। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है डालना। अगर आपको थोड़ा फ्लेवर पसंद है प्याज और लहसुन का तो आप डालिए, वरना नहीं भी डालो तो भी चलता है। और ये 2-3 लौंग है, और शक्कर, और ये थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, पिसी हुई भी डाल सकते हो आप, या खड़ी डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। सबसे पहले हम टोमेटो सॉस के लिए टोमेटो बॉईल करने रखेंगे, तो सबसे पहले मैं वही करूंगी। टमाटो को ऐसे रफली चॉप करके, और ये लाल मिर्च खड़ी वाली, प्याज को भी मैं रफली चॉप करके इसी में मिलाऊंगी। ये अदरक और लहसुन, नमक, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा डालना है, क्योंकि हमको रखना रहता है सॉस पे, थोड़ा नमक ज्यादा चाहिए इसमें, तो ही वो आपकी सॉस टिकेगी। लौंग और शक्कर, ये भी इसी में, जैसे 1/2 kg है तो 2 चम्मच मैंने शक्कर ली है। काली मिर्च, काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैम लॉन्ग कितना लिया आपने? ओके मैंने 3 2 3 लिए लौंग। इसके बाद हम इसमें पानी भी डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर अपना पानी छोड़ेगा ही, तो हम इसको पहले स्लो फ्लेम पे 5 मिनट हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद फ्लेम तेज करके हम 2 से 3 सीटी दिलाएंगे। इसको भी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब तीनों चीजें जब हमारी ठंडी हो जाएगी तभी हम इसको ग्राइंड कर पाएंगे। अब देखिए, जो हरी मिर्च का हमने करके रखा था ये हो गया है ठंडा, अब मैं इसको पीस लूंगी। मैंने बहुत कम क्वांटिटी बनाई है आज, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जितना भी आपको लेना है आप उस हिसाब से सारी चीजें डालना उसमें। और इसमें हम जब पीसेंगे तब हम इसमें मिलाएंगे व्हाइट सिरका, जो सिरका आता है ना, सिरका मिलाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं मिलाओगे तो आपकी सॉस खराब हो जाएगी, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे मैंने 50 ग्राम मिर्ची ली थी, तो उसमें 4 चम्मच में सिरका डालूंगी, और आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। आप ग्राइंड करने के बाद, पहले मैंने आधा डाली हूँ, मैं ग्राइंड करूंगी, पीसने के बाद मैं उसकी कंसिस्टेंसी देखूंगी, उसके बाद फिर और मिलाऊंगी।
मैम आपकी आवाज भी ब्लर आ रही है और वीडियो भी। एक मिनट में नेटवर्क चेक कर लेती हूँ। अब दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। वो नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू था, मैंने फिर से की उसको। बोलिए जी, जैसे आप जितनी आपको पतली सॉस चाहिए। मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज क्लियर नहीं है। सॉस की जो कंसिस्टेंसी रहती है ना, आप उतना सिरका मिला के, जैसे आपको कम लग रहा है, अगर गाढ़ी लग रही है सॉस तो आप थोड़ा और सिरका मिला सकते हैं। मैं ये बोल रही थी, आप सिरका डाल के पानी नहीं मिक्स कर सकते। अब हमने फ्राई कर दिया तो हम पानी मिक्स करेंगे तो ये खराब हो जाएगी, हम इसको रख नहीं पाएंगे फिर। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका डाल के ही पीसेंगे इसको। आ रही है अब आवाज आपको? यस मैम। मैं थोड़ा और ग्राइंड कर लूंगी इसको। मैम आवाज ब्लर आ रही है आपकी। आप एक बार फिर से ज्वाइन करो। वीडियो दिख रहा है आपको? यस मैम। मैं पूरी सॉस निकाल दूंगी बाउल में। जैसी सॉस की कंसिस्टेंसी रहती है ना, हमको उतना ही पीसना है इसको, उतना पतला करके, और इसमें सिरका डालना है। अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ी हो रही है सॉस जैसी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा सिरका मिला के उसमें पीस सकते हैं। और ये प्रिजर्व करने के लिए भी अच्छा हो जाता है। सिरका डालने से सॉस हमारी 5 से 6 महीने तक खराब नहीं होती। अब हम रेड चिली सॉस के लिए कर लेंगे। जब आप इसको पीसोगे ना, तो पॉट भी एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहा तो फिर वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमको इसको प्रिजर्व करना होता है। जो हमने रेड चिली सॉस के लिए बनाया था वो भी ठंडा हो गया है, वो भी हम पीस लेंगे। इसमें भी हम सिरका मिला के ही पीसेंगे। 4 चम्मच मैंने सिरका लिया है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी मैं हाफ डाल रही हूँ और इसको ग्राइंड करूंगी, फिर बाद में हाफ डालूंगी। इसमें और हम सिरका डाल के पीसेंगे।
ये पीस गया हमारा अच्छे से। अब एक बार हम इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें हमने जो मसाले डाले थे लौंग वगैरह जो और बीजे जो होंगे इसके टमाटर के वो अलग निकल जाएंगे, इसलिए छानना जरूरी है टमाटर सॉस को। देखिए इसमें जो भी मोटा रहेगा लौंग का या कुछ भी रहेगा टमाटर के छिलके विलके थोड़े आ गए होंगे तो वो सब अलग निकल जाएंगे छानने से। हम अच्छे से इसको छान लेंगे। इसको थोड़ी देर हम फिर से बॉईल करेंगे छानने के बाद, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 2 मिनट बॉईल करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे हम बॉईल। मैम इन सब सॉसेस को फ्रिज में रखना जरूरी है क्या या बाहर रख सकते हैं? नहीं नहीं बाहर रख सकते हैं क्योंकि हमने इतने सिरका डाला है ना, वो खराब नहीं होंगी। ओके मैम। टोमेटो सॉस को थोड़ा सा बॉईल करना होता है पीसने के बाद, चिली सॉस को बॉईल करना जरूरी नहीं है क्योंकि टोमेटो में थोड़ा ज्यादा पानी होता है इसलिए थोड़ा पकाना जरूरी है उसको। और हमने सिरका डाले हैं वो प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। ओके मैम। आपको जितनी गाढ़ी चाहिए सॉस उस हिसाब से आप उसको बॉईल कर सकते हो। जैसे देखिए ये हो गई है सॉस जैसी कंसिस्टेंसी, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट भी हम पकाएंगे ना तो हो जाती है। और मसाले हमने ऑलरेडी डाल ही दिए सारे, तो कुछ भी डालने की भी जरूरत नहीं है इसमें। फिर हम बॉईल करते हैं तभी डाल देते हैं इसमें सारी चीजें, तो सबका अच्छा फ्लेवर आ जाता है उसमें। बस हम मैंने बंद कर दिया है गैस, थोड़ा ठंडा होने देंगी तभी बाउल में डालूंगी। देखिए हमारी रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, देखिए सॉस ठंडी हो गई है, मैं इसको भी डाल रही हूँ बाउल में। इसको आप अगर और जैसे ठंडी होने के बाद ना, अभी तो भी थोड़ा पतला दिख रहा है इसका, बाकी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, जैसे हमारी बाकी सॉसेस है वैसे ही हो जाएगी। ये देखिए दिख रही है आपको तीनों सॉसेस। अब आपको कंसिस्टेंसी ऐसा है कि आपको अपने हिसाब से रखनी है, आपको जैसी पसंद हो। बाकी मार्केट में तो जो आती है वो एकदम गाढ़ी ही आती है, पतली नहीं आती है सॉसेस।